हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्प्राउटेड मूंग का नाश्ता, जो हेल्दी भी होगा और जिसे बनाने में फटाफट बन जाएगा। तो शुरू करते हैं स्प्राउटेड मूंग का नाश्ता बनाना। इसके लिए हमने स्प्राउटेड मूंग लिए हैं। इसे आप सुबह सुबह भिगोना डाल दें और रात को एक सूती कॉटन के कपड़े पे आप पोटली बांध के रख लें। उससे दूसरे दिन सुबह सुबह इस तरह से अंकुरण आ जाएगा और आप इसका नाश्ता बना सकते हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। आप चाहे तो इसका स्प्राउट जो मूंग है इसको कच्चा भी ले सकते हैं, यदि आप कच्चा लेना चाहे तो, या तो इसे फुल कुक कर सकते हैं, पर हम स्टीम करेंगे जिसमें ये ना फुल कुक होगा ना ही कच्चा होगा। एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल लेंगे इसका और पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया, अब हम इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे इसके ऊपर। ये जो हमारी मूंग है इसे डाल देंगे। ये ना हमारे फुल कुक है और ना ही कच्चे, तो अब हम इसे बंद कर लेंगे और अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मूंग हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे पाउंड में इसे। अब इसमें हम ये बीट रूट है इसे डाल लेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। प्याज है जो बारीक कटी हुई है इसे भी डाल लेंगे। कुकुम्बर है इसे डाल देंगे बारीक कटा हुआ। बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और ये लेमन जूस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मूंगफली दाना है इसे पानी में भिगो लिया था 2 घंटे पहले, और भीगे हुए मूंगफली दाने डालेंगे हम। तो ये हमारा स्प्राउटेड मूंग का नाश्ता बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।